तो वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में सुरक्षा से विकास नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहरी, तेजस्विनी और युवा जैसी योजनाओं के तहत जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है उनकी पुलिस ने सहायता की और उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही अलग अलग कार्यक्रम को जरिए यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम किए गए, इनके जरिए लोगों को संदेश देकर जागरूक करने की भी कोशिश की गई। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। कि एक समाज में विकसित होने के लिए सुरक्षा की कितनी अहम भूमिका है। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस अपनी ओर से सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास कर रही है और अलग अलग योजनाओं को अपनी कार्यशैली में शामिल कर रही है। हमारे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, हमारे यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज, हमारे यहाँ के सिटीजन्स, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, बच्चे और युवाओं को सुरक्षित करने में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बहुत मेहनत की है, परंतु पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब समाज की भागीदारी साथ में होती है तो एक अलग ही रिश्ता कायम होता है और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे की सुरक्षा की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। दिल्ली में जो अभी त्यौहार का सीज़न है उसको हम लोग ने हैंडल करने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियां की हैं। जिस तरह के अलर्ट्स हमारे पास हैं उसको ध्यान में रखते हुए एंटी टेररिस्ट मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं। चेकिंग चलती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, खास करके पीक आवर्स में बाज़ारों में या रास्तों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रीफली स्पीकिंग, पुलिस डोमिनेशन सड़कों पे और उन इलाकों में जहाँ पे क्राइम होने की संभावना है वहाँ पे बढ़ाया गया है और हमारे अधिकारी, ऊपरी अधिकारी भी पेट्रोलिंग करते हैं, जवान भी करते हैं और पूरी मुस्तैदी से हम हैं। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या मूवमेंट होता है उसको ध्यान में लेके अप्रोप्रिएट काउंटर एक्शन लिए जाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।